में सेक्टर 10 में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों के सोने पर हाथ साफ कर दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार बीती रात परिवार के लोग बाजार गए थे और पीछे से चोर दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए और सोने पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान चोर घर में दीवार फांदकर दाखिल हुए। सीसीटीवी की फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे युवक दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ। चोर ने दरवाजा तोड़ने के लिए कई बार प्रयास किया और फिर मात्र 9 मिनट में चोर लाखों रुपए का सोना चोरी करके इत्मीनान से उसी दरवाजे से बाहर निकल गया और फरार हो गया। अंबाला छावनी की सील्ड बीडी फ्लोर मिल पर आज चोरों ने हाथ साफ कर दिया और लाखों का सामान चोरी कर लिया। अलेक्जेंडर रोड पर रहने वाले नरेश कुमार ने एसडीएम को इस पूरे मामले में शिकायत दी। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से चोरी हुए सामान का मुआवजा मांगा व सील्ड फ्लोर मिल पर पुलिस की तैनाती की भी मांग की। वहीं इस मामले में जांच कर रहे नगर परिषद के सेक्रेटरी की माने तो बीडी फ्लोर मिल में सब कुछ वैसा ही है जैसा सील करने के समय था। उन्होंने शिकायतकर्ता पर ही आरोप लगा दिया कि जब सब सील्ड है तो इन्हें कैसे पता चला कि चोरी हुई है। जींद में गैंगरेप पीड़िता इंसाफ की मांग को लेकर एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी थी, लेकिन उसके बावजूद उसे इंसाफ नहीं मिला, जिसके बाद पीड़िता ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से उम्मीद जताई थी कि वो उन्हें इंसाफ दिलवा सकते हैं। बता दें कि पीड़िता ने अनिल विज को ट्वीट भी किया, जिसमें पीड़िता ने अनिल विज से मामले की जांच करवाने की मांग की। इस मामले में अनिल विज ने जानकारी दी कि उन्होंने एसपी को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए ताकि पीड़िता को इंसाफ मिल सके। अंबाला के गांव पंजोखड़ा में पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ। एल्युमिनियम चौकटों का काम करने वाले दुकानदार पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। हमले में बीच बचाव करने आए युवक के बुजुर्ग पिता के हाथ में गंभीर चोटें आई। झगड़े के बाद दोनों बाप बेटा इलाज के लिए अंबाला के नागरिक अस्पताल पहुंचे। अंबाला शहर के सिटी थाने में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। करियाने की दुकान में सामान लेने गई युवती को दो लड़कों ने छेड़ा। छेड़छाड़ से घबराई लड़की की चीख पुकार सुनकर उसका भाई मौके पर पहुंचा तो युवकों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। बहरहाल पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर ली है। गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब में 6 वर्षीय बच्ची के साथ हुए रेप के बाद उसे जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में राहुल गांधी पर निशाना साधा। विज ने कहा, जब हाथरस में रेप कांड हुआ था तब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कई तरह के ड्रामे करने वहां पहुंच गए थे, परंतु पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। पंजाब में 6 वर्षीय बच्ची के साथ हुए रेप के बाद उसे जिंदा जला दिया गया है और उस तरफ राहुल गांधी कब रुख करेंगे यह पूरा हिंदुस्तान देख रहा है।